सभी को आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तनिष्का पाठक कक्षा 2 की छात्रा आमिर पब्लिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है वृक्ष जीवन के आधार। चलिए शुरू करते हैं। एक सुबह जब मैं जागी, कोलाहल सुनकर बाहर भागी। देखा बाहर भीड़ खड़ी थी, हाथ में उनकी कुल्हाड़ी पड़ी थी। मैं उन पर चीखी चिल्लाई, हाथ जोड़ मैं गिड़गिड़ाई। बोली, अंकल मत काटो, हो सके तो नन्हे पौधे बांटो। वृक्ष है जीवन का आधार, मत भूलो इनका उपकार। वृक्ष है तो हरियाली है, जनजीवन और खुशहाली है। आप काट कर इनको क्या पाओगे, क्या प्रदूषण से लड़ पाओगे? प्रदूषण की इस धरती पर ना रहेगा कोई जिंदा। मिट जाएंगे धरतीवासी, ना रहेगा कोई बसिंदा। प्राचार्य जी ने बतलाया था, एक पौधा हर साल लगाओ। पालो इनको, बड़ा करो, फिर जीवन भर तुम फल खाओ। उनके ही बाटे पौधे से मेरा भी आंगन खूब खिला। बढ़ गया टिप टिप पानी से, जहाँ उसे खूब धूप मिला। सोचो कोरोना के कारण जहाँ बाहर जाना भी बंद हुआ, घर के ही कटहल सहजन से भोजन में आनंद हुआ। यह सुनकर बारी बारी सबने छोड़ी अपनी कुल्हाड़ी। आओ आज यह प्रण करे, वृक्ष नहीं कटने देंगे। धरती के कण कण आंगन में हरियाली हम भर देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।